स्वागत है बी बांदी कुकिंग में। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला मैपल सिरप बनाएंगे, नेचुरल स्वीटनर, जो कि बहुत से व्यंजनों में हम यूज़ करते हैं। स्मूदीज़ में, दूध में डालकर भी हम इसको पी सकते हैं। दूध का स्वाद डबल हो जाता है, एक मीठापन आ जाता है, और साथ में हम किसी तरह के पैन केक में भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं मैपल सिरप बनाना। बनाने के लिए हमने ब्राउन शुगर लिया है, ऑप्शनली वाइट शुगर भी ले सकते हैं। इसमें पानी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। लगातार हम इसको चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और साथ में नीचे से जले भी नहीं। और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस डालेंगे। बहुत खट्टा मीठा मैपल सिरप बनता है। और हमने गुड़ को थोड़ा पीसकर भी डाल दिया है, 2 चम्मच, और वनीला एसेंस साथ में डाला है। बहुत बढ़िया फ्लेवर खुशबू आती है वनीला एसेंस की मैपल सिरप में। लगातार इसको चलाते रहेंगे, ऊपर जो झाग आएगी, इम्प्योरिटी आएगी, सर्विंग स्पून की मदद से इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। 10 से 15 मिनट में बहुत बढ़िया हमारा मैपल सिरप में गाढ़ापन आ जाएगा। उंगली से हम चेक करेंगे, जब दोनों फिंगर चिपकने लगे इसका मतलब मैपल तैयार है। ये कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसको कैसे हटा लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको किसी भी एयर टाइट बॉटल में भर लेंगे और अपनी मनपसंद रेसिपी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारा मैपल सिरप बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को देकर मैपल सिरप बनाना, घर में पड़ा हो तो हम बहुत सी में रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आपका मैपल सिरप बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।